की सरकार। असी महंगाई के विरुद्ध अज धरना सारी आल इंडिया कांग्रेस कमेटी सारे पंजाब और सारिया स्टेटा के जेडे कांग्रेस पार्टी के कारकुन है और जिला कांग्रेस ब्लाक कांग्रेस के सत्र तक सारे हिंदुस्तान च धरना है महंगाई के विरुद्ध। देश भर में वध रही महंगाई को लैके लोगों के मनों में केंद्र सरकार के खिलाफ रोस पाया जा रहा है और केंद्र सरकार वालों बधाई गई महंगाई को लैके लगातार रोस प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। उत्थे केंद्र सरकार के खिलाफ अज पूरे देश भर में कांग्रेस वालों रोस प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिसके चलद श्री मुक्तसर साहब के अंबेदकर चौंक डीसी दफ्तर सामने यूथ कांग्रेस वालों वध रही महंगाई के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वड्डी गिनती में इकट्ठे हुए यूथ कांग्रेस के वर्करा ने केंद्र सरकार द्वारा देश में वधाई गई महंगाई को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया। उत्थे यूथ कांग्रेस के वर्करा ने केंद्रीय मंत्री श्रीमती ईरानी ते भी तिखे निशाने साधे ने। यूथ कांग्रेस के वर्करा ने कहा है कि अज देश विच वध रही महंगाई ने आम वर्ग नूं मरण ते मजबूर कर दिता है। डिप्टी कमिश्नर साहब के दफ्तर अज धरना इस करके लाया है कि असीं उन्हां नूं मंग पत्र देना चाहुंदे सी। केंद्र की सरकार, मोदी की सरकार, भाजपा की सरकार ने जो वधीकियां कर रही है, अपने ईडी राही सीबीआई राही परेशान किया जा रहा है कांग्रेस की हाई कमांड नू। नाल दी नाल जिहड़ा महंगाई का आलम है, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है, चाहे पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, दालें है, तेल है, कोई खाने वाली वस्तुएं है। ये ऐ नहीं सी, सरदार मनमोहन सिंह दे वेले बड़ा सिस्टम सही सी, उदों ये विरोध करते रहे सरदार मनमोहन सिंह का, डॉलर का रेट बड़ा घट सी उदों, हुण डॉलर का रेट बढ़ गया। ये आपदे वेले तो इउं करते रहे, हुण ये कोई जवाब नहीं दे रहे कि महंगाई का कारण, महंगाई घटाउणी चाहिए है। असी महंगाई के विरुद्ध अज धरना सारी आल इंडिया कांग्रेस कमेटी सारे पंजाब और सारिया स्टेटा के जेडे कांग्रेस पार्टी के कारकुन है और जिला कांग्रेस ब्लाक कांग्रेस के सत्र तक सारे हिंदुस्तान च धरना है महंगाई के विरुद्ध लाया गया। उन्होंने भुलेखा है कांग्रेस कदे खत्म हो सकती है। ये कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिन्हें देश आजाद कराया, अंग्रेजों का तशद्दुद से है, जेलां साडे जुझारू आगुआ ने कट्टियां, कुरबानियां दित्तियां कांग्रेस पार्टी ने। ये कांग्रेस पार्टी हर समय देश दे वास्ते लड़ती रही है, देश की एकता और अखंडता दे लई लड़ती रही है। ये उन्होंने भुलेखा पैंदा है, सत्ता च बैठा भुलेखा पैन लग पिया कि कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा। बिल्कुल कांग्रेस दी आने वाले समय च कांग्रेस दी सरकारां बनिया करनियां, इन्हां दा सारा जिहड़ा लोगों नूं देखा पाली इन्हां दी हो चुकी है। जिहड़े नवें आए है पंजाब च, जिहड़ी सरकार बनी है नवी, उहदा वी जिहड़ा बदलाव दा हिसाब दा लोगों नूं पता लग गया, लोग इन्हां तों दूर भज्जन लग पे है। आने वाला समा, अगे वाला समा कांग्रेस पार्टी का है, कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। कांग्रेस पार्टी ने देश चलाया 70 साल, पुराना कहते होंगे 100 दिन तो नवा 9 दिन, ये 9 दिन वाले है। तेरे सामने खड़े हैं, असी तो पहला भी कांग्रेसी, हूँ भी कांग्रेसी, सारे निगाह मारला सारे कांग्रेसी, असं कोई डरते नहीं गे, ना कोई भाजपा शामिल होने का मन है, ना किसी होर शामिल होने का मन है। कांग्रेस ही है, कांग्रेस रहना है, कांग्रेस सह लें, कांग्रेस जाना है, कांग्रेस मरना है। बिल्कुल ये एवं वहम है, ये तो एवं थोड़ा जहा की होंगे ना, जदों दबाव पाते हैं, दबाव पा के जेडे थोड़ा बहुत कित ना कि कमजोर दिल के व्यक्ति है, वह कित ना कि लगता है कि उन्होंने भी ये समा नहीं ठीक, पर दर्दियां डरा हों हरेक, चाहे पिंडा की लड़ाई है, चाहे किसी शरीके की लड़ाई है, चाहे पार्टियां की लड़ाई है, डरदियां डराउंदे, जिहड़ा अगों सामने हो जाता उदों तो पछाण जांदे आ सारे। बिल्कुल कांग्रेस पार्टी का वर्कर बिल्कुल भाजपा तो ना किसी होर पार्टी तो नहीं डरते, बिल्कुल कांग्रेस नाल दृढ़ है। देश नूं आजादी लैके दित्ती है साडे पुरखियां ने, साडे कांग्रेस के वड्डे लीडरां ने, कुरबानियां दे दे के देश की एकता और अखंडता दे लई कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुरबानी कीती है।